हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अभी ठंड में हमारे हिबिस्कस में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आप देख सकते हो मेरे ये गुड़हल के पौधे कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और हमारे घर में जो भी वेस्ट की चीज़ें होती है वही हमारे पौधों के लिए एक वरदान साबित हो जाती है। तो आप देख सकते हो मेरे गार्डन में गुड़हल के कितने वेराइटी है, जैसा भी फूल खिले हुए हैं। और इधर भी डबल पैटर्न वाला ये कल खिला हुआ था, और ये देखिए सिंगल पैटर्न हथेली इतना बड़ा है, और बहुत ही खूबसूरत कलर वेराइटी भी है। और ये देखिए कितनी सारी कलियाँ भी बनी हुई है। और ये स्पाइडर गुड़हल है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी कलियाँ इसमें भी बनी हुई है। तो ये सभी में मैं कौन सा खाद या फर्टिलाइज़र देती हूँ वही आज आप लोगों को बताऊँगी मैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ बनी हुई है। तो ये फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो हम अपने घर में जो भी बेकार समझ के जो भी चीज़ें फेंकते हैं वो हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र साबित होता है। तो देख सकते हो ठंड में हमारे गुड़हल के पौधे काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें अभी फर्टिलाइज़र डालना होगा। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी राख डाली हुई है, ब्लैक वाले कीड़े लग गए थे, और काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, तीन चार फूल भी खिले हुए हैं, और कलियाँ भी काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। तो ये दोबारा से फ्लावरिंग कर रहा है ये पौधा, और इधर भी काफ़ी अच्छे से फूल खिले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़हल के पौधे धूप में ही खिलते हैं, छाँव में कलियाँ ही नहीं बना पाते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये भी मेरा कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं इसी में अभी फिर से फर्टिलाइज़र डाल के बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो इधर भी मेरा डबल पैटर्न वाला हिबिस्कस है, और फर्टिलाइज़र डालने के बाद का ये रिजल्ट है। देख सकते हो सभी ब्रांचेस में बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है, फूल भी खिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छे से गुड़ाई करनी है अपने हिबिस्कस के पौधों में। मिट्टी अगर सूखी है, जिस दिन आपको फर्टिलाइज़र या खाद देना है उस दिन आप मिट्टी को सूखा रहने दें, और फिर शाम को डाल दें। अभी मैंने सुबह पानी डाला था, थोड़ी मिट्टी गीली है, तो कोई बात नहीं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हो, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद हमारे घर में जो निकलते हैं वो है प्याज के छिलके और आलू के छिलके, जो हम फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंकना ही नहीं है फ्रेंड, बस उनको भिगो के रखना है। जितना दिन आप भिगाते हो उतने दिन हमारे फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल तैयार हो जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है, फाइबर होता है, तो ये सभी हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं फूल लाने के लिए। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों में ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हो।